जैन साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया में इंजरी होती रहती है और ज़्यादातर चनक और धरण के इशू रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चनक कहाँ कहाँ पड़ती है और कैसे निकालने है, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये चनक है या कोई और इंजरी है, तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको अवगत करूँगा। अब बारीकी से देखें और चनक निकालने के लिए किसी से ज़बरदस्ती नहीं करें। जब तक आपको अनुभव नहीं है तो आप जोर आजमाइश ना करें, उससे आपको इंजरी ज़्यादा हो सकती है। साथियों, चनक कहाँ कहाँ पड़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। यहाँ गर्दन में कभी कभी चनक पड़ती, कम पड़ती, बहुत ज़्यादा ये हिस्सा ना, यहाँ पर चनक पड़ती कभी कभी। दूसरा हिस्सा आता साथियों, इस जो ये हड्डी है इसके नीचे, यहाँ पर जो कंधे के पीछे वाली हड्डी है उसके नीचे, यहाँ पर चनक पड़ती है। तीसरे चनक पड़ती है यहाँ पे, इस हिस्से में, ये जो 2-3 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है यहाँ पर। चौथी होती है ये वाला हिस्सा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के दाएं बाएं का हिस्सा होता है, यहाँ पर चनक पड़ती है। साथियों, गर्दन की चनक है वो आपको निकालने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इंजरी हो सकती है। उसके लिए जस्ट आपको नॉलेज देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ दर्द है तो चनक मानी जाए, जो ये हिस्सा है यहाँ पर। निकालने के लिए आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताऊँगा, क्योंकि गर्दन नाजुक होती है और इससे आपको डैमेज ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में आप ले लो इस हिस्से में। तो सबसे पहले तो जिसको दर्द है उसको पूछ लिया जाए कहाँ दर्द है। पाँव का फुब्बा, आगे का जो पैड है वो रखना है, हल्का हल्का हिलाना है इसको, हल्का हिला के और थोड़ी सी ताकत लगा के, बस इस तरह से करना है। दूसरे सेम प्रक्रिया यहाँ की चनक है, यहाँ की चनक के लिए क्या करना है, मोटा हो जा, मोटा हो जा, इसको इसको ये रहने देना और इस हिस्से को, बस घूम जाओ, इसका उल्टा घूम जाओ, उल्टा हो जा, उल्टा हो जा, इस हिस्से को उठा, इसको शोल्डर पर रहना चाहिए, घुमा इसको, घुमा घुमा, बस इस तरह से। उसके बाद में आपकी यहाँ की चनक है, यहाँ की चनक के लिए आपको ये जो हड्डी है ये वाली, इसको घुमा के पकड़ के रखिए, पैर रखिए, लुगाएं की तागड़ी, यहाँ अंगूठे का ये हिस्सा और हल्का से दबाना है। तो आपकी चनक है वो क्लियर हो जाएगी। वैसे मेरे पास कॉमन लड़के आते हैं सर चनक पड़ गई, क्योंकि उनको केवल मसाज करवानी होती है, तो कॉमन हम मसाज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये जो हिस्सा है, यहाँ से बॉडी को ढीला छोड़ दे, बॉडी को हिलाओ ढंग से, हिला दिया, पूरी मसाज लियो, छोड़ दे, दोनों हाथों का प्रेस करते हैं और ये करके, और यहाँ से हल्का ढील छोड़ा, ढील छोड़, ढील छोड़, ये एक्सरसाइज करने से पूरी कमर रिलैक्स हो जाएगी। हम वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, ताकि और अच्छा और बेहतर कर पाए।